हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के विस्टास के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से टॉप क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, और उसका ये नाम कैसे पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका जो है अंटार्कटिका कैसे पहुंची थी, इसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज हाना, हाना कौन थी, हाउ डिड ही मीट सदाओ, और वह सदाओ से कैसे मिली थी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट सीक्रेट प्लान डिड द जनरल हैव, जनरल का कौन सा सीक्रेट प्लान था अबाउट द अमेरिकन सेलर, अमेरिकन सेलर के बारे में, स्टेइंग अंडर द केयर ऑफ डॉक्टर सदाओ, जो रुका हुआ था डॉक्टर सदाओ की केयर में। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर्स ऑफ डेरी, कैसे मिस्टर लैम ने कोशिश की थी डेरी की जो बेसलेस डर था उसको दूर करने के लिए, कैसे प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट वाज थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ स्थित था। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, और डेरी उनके बगीचे में कैसे प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज चार्ली से दैट, चार्ली ये क्यों कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, के जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह बढ़ रहा है इन द स्टोरी, कौन सी कहानी में, द थर्ड लेवल में। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज, कौन से आश्चर्य को लेखक ने महसूस किया व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब वह अंटार्कटिका पहुंचा। हाउ डिड द किंग सेव द थ्रोन, कैसे किंग ने अपने सिंहासन को बचाया। क्वेश्चन नंबर इलेवन, हु वाज जॉब ग्रीन, जॉब ग्रीन कौन थे, वॉट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, और उन्होंने स्टूडेंट्स को क्या ऑफर किया था। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, चार्ली ने थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने क्यों निर्णय लिया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, हाउ डिड द सर्वेंट बिहेव, नौकर ने कैसा व्यवहार किया था व्हेन सदाओ शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन द हाउस, जब डॉक्टर सदाओ ने एक व्हाइट मैन को अपने घर में परमिशन दे दी थी, एक अमेरिकन पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड जिटका लासास मदर टेल अबाउट द कटिंग ऑफ हेयर, जिटका लासा की माँ ने क्या कहा था बालों के कट जाने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज जुडविन, जुडविन कौन थी, और व्हाट डिड शी टेल जिटका लासा, और उसने जिटका लासा से क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ वर द इंडियन गर्ल्स देयर, इंडियन गर्ल्स वहाँ पर कैसे थी एंड व्हाट वर दे फील, और उन्होंने वहाँ पर क्या महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 18, Why was Annan not amused? Annan क्यों खुश नहीं था? What did he tell Bama? उसने Bama से क्या कहा था about their caste, अपनी caste के बारे में। What were the reactions of Bama then? और Bama का क्या reaction था उसके बारे में? Explain करें। Question number 19, What made Bama double up? किस चीज़ ने Bama को double up कर दिया था? Why did she want to laugh? और वह क्यों हंसना चाहती थी? उसे क्यों हंसी आ रही थी? Question number 20, What things attracted Bama? कौन सी चीज़ ने Bama को अट्रैक्ट किया था ड्यूरिंग द वे ऑफ द होम, जब वो अपने घर की ओर आ रही थी तब। क्वेश्चन नंबर 21, Why did Bama बिकम एंग्री, Bama क्यों नाराज हो गई थी एंड what did she want to do then, और वह तब क्या करना चाहती थी। और 22, ये लास्ट क्वेश्चन है, How much time did Bama take to reach home from school? कितना समय लगता था Bama को अपने घर पहुंचने में स्कूल से, और क्यों लगता था इतना समय, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनको आपको बहुत गौर से देखकर जाना है, इनके आंसर्स को आप कवर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच गाइस।